हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए गाइस। एंड अगर फ्रेंड्स आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ को देखें, आपको पूरी क्लैरिटी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ें बता रखी हैं कि म्यूचुअल फंड की स्कीम में एक एक छोटी छोटी इक्विपमेंट जो है वो क्या है, एंड उसके प्रोज उसके कॉन्स, एंड उसके बेसिस पे आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने एक रेशियो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, देन एक एक पैरामीटर जैसे रिस्क रेशियोज होता है, रिस्क पैरामीटर होता है, एक एक थिंग को एक्सप्लेन किया है गाइस। एंड अलग अलग कैप के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, देन अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं, डेट हाइब्रिड, एवरीथिंग मैंने सभी को कवर अप किया हुआ है। एंड आपको आई होप आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। और ना ही मैंने सिर्फ ये कवर किया है कि ये फंड में एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्या क्या होता है, मैंने ये भी कवर किया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर थीम पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें बेस्ट फंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी करंट मार्केट में चल रही है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का जो मैं टॉपिक चूज किया हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने आज चूज किया है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपसे डिस्कस करने के लिए गाइस। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स किसके लिए सही है फ्रेंड्स, देखिए जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। दीज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स स्लैश डेट स्लैश बॉन्ड्स, हाउएवर फोकस ऑन बॉन्ड्स इज हायर विथ 75-90% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स एंड रेस्ट इन स्टॉक्स। आप समझ रहे हैं कि इनका जो ज़्यादा फोकस होता है किसमें होता है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का फ्रेंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट में। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगर आप उसके बारे में एक्सप्लेन डिटेल से जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जा करके डिटेल में समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी को लोन दे रहे हैं गाइस, एंड आप जब लोन करते हैं तो आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस या मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, इक्विटी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है गाइस। तो कृपया आप मेरे चैनल पे सारी वीडियो को देखिए एंड आपको समझ में आएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए, मैं आज आपको मैंने जो फंड चूज किया है कोटक डेट फंड को चूज किया है फ्रेंड्स। क्यों मैंने चूज किया है, पहला तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि और भी फंड्स हैं तो आपने डेट फंड को ही क्यों चूज किया। तो देखिए गाइस, ये अभी मैंने इसमें किस पे रख रखा है, अपना कर्सर रिस्क रेशियो पे रख रखा है। अगर आप रिटर्न पे रखूंगा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे जो फंड हैं वो आपके जो है अलग अलग तरीके की जो है रिटर्न बना के दे रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मैं इसको ही क्यों चूज कर रहा हूँ गाइस, ये थोड़ा सही से नहीं चल रहा है इंटरनेट, सॉरी फॉर दैट, लेट मी चेक प्लीज, लेट मी सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये दुनिया भर की आपको फंड्स हैं जो उसमें रिटर्न अलग अलग बना के दे रहे हैं। तो अब इट्स इट बिकम नॉट डिफिकल्ट टू सेलेक्ट विच फंड शुड आई गो एंड विच फंड शुड आई नॉट गो, राइट। तो आप देख सकते हैं, अब इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है गाइस। तो अभी आप कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली आप जाए एंड इसको डाउनलोड कर सकते हैं डेटा, एंड वेरियस जो पैरामीटर है उसको आप देख करके कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने क्या है डाउनलोड किया रिटर्न एंड मैंने डाउनलोड किया रिस्क रेशियोज, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मैंने डाउनलोड किया रिस्क रेशियोज एंड रिटर्न, मैंने क्या नोटिस किया गाइस, ये देखिए जैसे ही मैं रिस्क रेशियो पे हूँ तो यहाँ पे आ करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है, एंड फिल्टर मैंने पहले से ही लगा रखा है तो सो दैट कि आपके लिए टाइम बचा सके, आपके टाइम बचा सके फ्रेंड्स। तो देखिए, आप सारपी रेशियो है जो हमेशा आपका लार्जेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया सारपी रेशियो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, टेनियर रेशियो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि जितना सारपी रेशियो बेटर ज़्यादा हो बेटर होता है, टेनियर रेशियो जितना ज़्यादा हो बेटर होता है, एंड अल्फा आपका जितना बेटर है वो ज़्यादा हो उतना बेटर होता है जो फंड में ज़्यादा है, ठीक है। एंड बेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने नीचे रखा है, रिस्क की फिल्टरिंग मैंने कैसे करी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये दोनों जितने कम है वो किया है मैंने,
और जैसे ही मैंने किया तो मेरे को सबसे पहले जो मुझे फंड मिला वो है कोटक हाइब्रिड फंड। तो गाइस मैं इसके ऊपर और भी गया, ऐसे ही मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो नहीं बता रहा हूँ गाइस, आप इसके बारे में देख सकते हैं। क्रिसल ने भी 5 की रैंक ली हुई है एंड इसकी एयूएम भी तो ठीक है। ठीक है गाइस, देन आप मैं गया यहाँ पे गाइस, मैंने फिल्टर लगाई किससे कि जो मोर देन 5 ईयर्स है एंड 3 ईयर में है जो फंड। तो यहाँ पे भी जब मैं आया गाइस तो मुझे कोटक हाइब्रिड ही मिला। एंड अब आप समझ सकते हैं कि मैंने कोटक को क्यों चूज़ किया है, कोटक डेप्ट हाइब्रिड के बारे में एनालिसिस करने के बारे में। फ्रेंड्स अगर आप इस फंड के बारे में और अंदर जा करके डीप एनालिसिस कर सकते हैं, मैं एक लेवल तक कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप गया तो क्या है कि मेरा और आपका दोनों का ही टाइम बहुत ज़्यादा ही लगेगा गाइज। तो मैं वीडियो को छोटी रखते हुए, बट ये है टू द कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए एज इफ एक फंड को सेलेक्ट करने में, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आया, देन मैंने नोटिस किया कि कोटक हाइब्रिड फंड के बारे में और थोड़ा सा अंदर जाके एनालिसिस करूँ तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं। आप ये देख सकते हैं डेफिनेटली ये बीट कर रहा है, इजिली बीट कर रहा है। बेंचमार्क ने निफ्टी 50 ने 7.73 का दिया है इसका जो बेंचमार्क है, एंड इसकी जो बेंच इस स्कीम से 9.31 की आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक की बेंच मार्क स्कीम बनाई जाती है एंड उसके बेसिस पे ही कंपेयर किया जा सकता है किसी भी फंड को। तो अब आप यहाँ से सिंपली सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, इसकी पोर्टफोलियो भी डेट में देख सकते हैं गाइस, एंड कौन कौन सी इक्विटी फंड जो इन्वेस्ट कर रखा है वो भी देख सकते हैं। एवरीथिंग यू हैव वेयर, रिलायंस, ITC, ICICI बैंक, मारुति और सारे बड़ी कंपनियाँ हैं, क्योंकि ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है फंड को सेव करना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि अगर आप डेट फंड में कंजर्वेटिव, अगर आप अपने फंड को सिक्योर करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम क्या है आप मार्केट से अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स कंजर्वेटिव फंड सबसे बेटर है, क्योंकि इसमें आपको फंड की सिक्योरिटी को पहले दी जाती है। क्योंकि इसमें गाइस आप देख सकते हैं कि फंड हैज 20, अब इस फंड की कैटेगरी के बारे में जैसे आपने इसमें सेलेक्ट किया तो आप इसमें डेप्थ भी जा सकते हैं कि परसेंटेज वाइज कैसे कैसे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। फंड हैज 24.71 इन्वेस्टेड इन इंडियन स्टॉक्स, आउट ऑफ विच 14.99 इन लार्ज कैप स्टॉक्स, 2.2% इन मिड कैप स्टॉक, 4.76 इन स्मॉल कैप स्टॉक, ओके देन 54.23 इन्वेस्टेड इन डेट ऑफ टॉप बीच 46.09% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि मोर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है इसीलिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है 46.09 में, एंड 6% इन फंड इन्वेस्टेड इन वेरी लो रिस्क सिक्योरिटीज। तो आई होप ये समझ रहे हैं कि आप ये कितना ही प्रायोरिटी दे रहे हैं सेफ्टी ऑफ फंड को। तो गाइज अगर आप सेफ्टी ऑफ फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम आप रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आई वुड से दैट कोटक डेट हाइब्रिड फंड इज बेटर एज कंपेरिजन टू अदर हाइब्रिड फंड इन कंजर्वेटिव फंड क्राइटेरिया। बट एट द सेम टाइम सेइंग आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू वॉट आई कैन एजुकेट यू थ्रू पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड एंड थ्रू माई एक्सपीरियंस, थ्रू माई नॉलेज गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट कोटक डेट फंड गाइज। आई होप आप फंड को अच्छी तरीके से सेलेक्ट करके अपनी एक अच्छी जर्नी बनाएं, एक अच्छी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी देखें। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कोई क्वेरी है तो कृपया मुझसे लिखना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।